तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे मोबाइल में एक्चुअली प्रोटेक्टर लगा नहीं है, सो प्रोटेक्टर लगाने जा रहे हैं। सो चलो चलते हैं रवि भवन, चलो चलते हैं। हम लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हैं हमारे 11 प्रो प्लस में, और ये 11 प्रो का है। सो साइज़ सेम है तो लग जाएगा, कोई इशू नहीं होगी। और यूवी ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, और ये देख सकते हैं ये कैमरा गार्ड है। सो चलो चलते हैं, लगाते हैं। सो होपफुली कोई वीडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना आए। सो चलो चलते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट हमने प्रोटेक्टर लगा लिया है, और यहाँ से रवि भवन में है अभी, और यहाँ से चलते हैं। थोड़ी सी भूख लगी है हमको, सो चलते हैं कहीं पे। वहाँ पे देख सकते हैं सुरुचि थाली दिख रही है, सो चलो चलते हैं वहाँ पे। और जस्ट रवि भवन के आगे सुरुचि थाली, सो चलो चलते हैं वहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं सुरुचि थाली में, और सामने रवि भवन है, और यहाँ से हमने प्रोडक्ट लगाया था। अभी हम लोग आ गए हैं सुरुचि थाली। हेलो भैया, चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये ओपन है इनका कुकिंग एरिया, और देख सकते हैं यहाँ पे खाना बन रहा है। सो चलो चलते हैं, अपना फूड इंजॉय करते हैं और यहाँ बैठते हैं। भैया खाली लगा दीजिए। देख सकते हैं भीड़ काफ़ी लग चुकी है। हेलो भैया, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हेलो भैया, और ये भैया हैं, बताएंगे जो कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या क्या सब्जी है स्पेशल। सो ये क्या, ये परवल मसाला है, ठीक। ये दाल जी, रायता है, पनीर की सब्जी, ये छोले पनीर है, छोले पनीर, छोला पनीर, आलू बरबटी की सब्जी, स्वीट, ये लिमिटेड है ना? हाँ वो फिक्स है। और रोटी अनलिमिटेड है जी, पापड़ सलाद। और इसमें से कौन सा लिमिटेड है? बस ये, अच्छा पापड़, ये लिमिटेड है, बाकी अनलिमिटेड है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो इसके बाद चावल भी मिलेगा ना? ठीक है, तो गाइस आपको बताते हैं और क्या क्या है स्पेशल। बाकी रोटी में क्या क्या है? रोटी में केवल तवा रोटी है, रोटी में केवल तवा रोटी है। सो गाइस, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, और ये ग्रीन चटनी, ये लहसुन की चटनी है, और इसमें कुछ ग्रेवी भी है, टमाटर वगैरह सब हैं, और ये अचार। सो चलो ट्राई करते हैं कैसा रहता है सुरुचि थाली। तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे क्या क्या रहेगा इसमें, और कैसा टेस्ट है, या अनलिमिटेड बोल रहे हैं, या फिर इसमें क्वालिटी ठीक नहीं है। सो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सो पहले ट्राई करते हैं पनीर। तो गाइस, इसमें थोड़ा सा ये चटनी ट्राई करते हैं, थोड़ी सी ले लेते हैं, और ये ग्रीन चटनी भी, ये ग्रीन चटनी, और ये अचार। देख सकते हैं गाइस ये है, और इसके साथ चावल भी। देख सकते हैं गाइस, दाल भी काफी बढ़िया है, और रायता ये भी ठीक है, एकदम पतली है, और ये पनीर की सब्जी होपफुली टेस्टी रहेगा। बाकी देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, देख सकते हैं फाइनली ये हमारा कंप्लीट आ चुका है, ये भी है साथ में, इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, ये है सुरुचि थाली का अनलिमिटेड थाली। मेरी आ रही है फेस, तो अब हम ट्राई करने जा रहे हैं ये रोटी पहले। ये रोटी ट्राई करने जा रहे हैं पनीर के साथ। ये रहा पनीर, बहुत ही बढ़िया गाइस। छोला पनीर है, थोड़ा स्वीट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं रायता। रायता भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ आइए, ट्राई कीजिए, सारी चीज़ अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है, और ये बाकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे आके अच्छे से अपना पेट पूरा भर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में ये तो है ही कॉम्प्लीमेंट्री। तो चलो गाइस खाते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं। भैया खाना बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है, सबसे बेस्ट लगा खाने यहाँ का। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया रिव्यू देने के लिए। अंकल कैसा लगा? अच्छा, और गुलाब जामुन टेस्ट कर लीजिए एक बार, बढ़िया है।
तो गाइस खाना तो बढ़िया था और लास्ट में एक गुलाब जामुन ट्राई करते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट। बढ़िया गाइस, ये भी परफेक्ट। देख सकते हैं गाइस ये वाज बसीन है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा खाना और यहाँ का, और ये मिली है हमारे भैया से। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे, हम आपके यहाँ आए हैं, खाना तो बढ़िया लगा। मैं यही से पहले काफ़ी और नागपुर से भी कुछ आया। हाँ, और उसके अलावा यहाँ एक IAS मैडम ने हमारी जो टैग लाइन है ससुराल जैसा भोजन, उसको ट्विटर पे ट्रेंड किया था। हाँ, ट्रेंड, उनका टॉप ट्रेंड किया था, जिससे कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं सब में ससुराल जैसा भोजन करके ब्लॉग्स वगैरह आई थी। क्या अच्छा लगा और खाना भी बढ़िया था कुछ। तो आप भी यहाँ आएंगे और भोजन कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं पीछे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ के और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। मैं ये रवि भवन के जस्ट सामने ही है, जयस्तम चौक।